कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल की मीटिंग हुई है। मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल है। पुलिस और प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। अपर मुख्य सचिव डीजीपी गढ़वाल कमिश्नर समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। 14 जुलाई से कांवड़ मेले की शुरुआत होने जा रही है और मीटिंग फिलहाल चल रही है और सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और किस तरीके से तैयारी फिलहाल की जा रही है कांवड़ यात्रा की, यात्रियों को परेशानी ना हो, उसके लिए तमाम यहां पर रोड मैप बनाया जा रहा है। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, सतपाल महाराज मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं और जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अध्यक्षता कर रहे हैं बैठक की। 14 जुलाई से कांवड़ मेले की शुरुआत होने वाली है और इसे लेकर ये बैठक की जा रही है। और चलिए पंकज राणा फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। पंकज, हाई लेवल मीटिंग फिलहाल चल रही है, 14 तारीख से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, किस तरीके से तैयारियों को तेज किया जा रहा है और जो बैठक है उसे लेकर क्या जानकारी मिल रही है? आईसी देखिए, फाइनल बैठक हम कह सकते हैं कांवड़ यात्रा को लेकर, क्योंकि पिछले दौरान एक उत्तर प्रदेश के जिले के अधिकारियों के साथ और हरिद्वार के डीएम के साथ एक बैठक हो चुकी थी। उस बैठक में कई तरह की रणनीति बन गई है, लेकिन इसमें क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे और उनके साथ ही तमाम आला अधिकारी रहेंगे, यानी कि सभी जो प्रदेश के आला अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और इसमें एक अंतिम रणनीति कांवड़ यात्रा को लेकर बनाई जानी है कि किस तरह से कांवड़ यात्रा का संचालन किया जाना है हरिद्वार में, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा नहीं हुई थी, लेकिन इस बार यह अनुमान प्राथमिक तौर पर लगाया जा रहा है कि 3 से 4 करोड़ यात्री इस बार कांवड़ यात्रा पर आ सकते हैं। तमाम सिख भक्तों, जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर किस तरह की प्लानिंग की जानी है, किस तरह से यात्रियों को, जो क्योंकि हाईवे का पूरा सड़क मार्ग रहेगा, वहां पर किस तरह से उनको पैदल चलने का अनुमति दी जाएगी, ये तमाम चीज़ें आज डिस्कस इस बैठक में की जाएंगी। इसके साथ साथ ही क्योंकि हरिद्वार के शहर के अंदर जब एंट्री कांवड़ियों की होगी तो उनकी पार्किंग कहाँ की जानी है, पार्किंग की व्यवस्था किस तरह की रहनी है, कांवड़ियों को लेकर जल जो उनको भरना है गंगा जी से वो कहाँ से भरना है, क्योंकि हरकी पैड़ी पर बहुत बड़ी संख्या में यात्री आते हैं और इसके आसपास की एरिया में पार्किंग की व्यवस्था की जाती है, तो ये तमाम चीज़ें आज इस यात्रा में डिस्कस रहने वाली है। लेकिन इस बार एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी रखी गई है कि जो भी कांवड़ यात्री यहाँ पर जल लेने इस बार आ रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से आए, हरियाणा से, हिमाचल से या पंजाब से, उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, उनको एक आईडी कार्ड लाना पड़ेगा, उस आईडी कार्ड के बाद ही उनको सीमा से एंट्री मिलेगी और एक सूची पूरी कांवड़ यात्रियों की बनाई जाएगी जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर दी जाएगी। तो ये तैयारी जो की गई थी ये पिछले दौरान बिजनौर के जिला अधिकारी के साथ, सहारनपुर और हिमाचल के कुछ अधिकारी मौजूद थे उनके साथ बैठक में, अंडर राज्यों की जो बैठक हुई थी उनके साथ बैठक में डिस्कस हो चुका था, लेकिन आज जो बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्ष में चल रही है उसमें कई महत्वपूर्ण चीज़ें रहने वाली हैं। ये एक फाइनल बैठक, हम इसे मैराथन बैठक कह सकते हैं, इसमें अंतिम रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री इसमें समीक्षा भी करेंगे। पिछले 1 महीने से हरिद्वार जिला प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी में जुटा हुआ है। यहाँ के आसपास की एरिया में जो तमाम यहाँ पर वाहन चलते थे उनको पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है, तमाम ठेलियाँ लगाई गई थी उनको यहाँ से हटा दिया गया है, तो ये अभी की तैयारी की गई है। इसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री आज क्या खास निर्देश बैठक के बाद देते हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा चारधाम यात्रा के साथ साथ बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा रहने वाली है और हरिद्वार के लोगों के लिए ये संजीवनी भी साबित होगी, क्योंकि पिछले 2 साल से यात्रा नहीं हुई थी, यहाँ कांवड़ती नहीं आए थे तो उनका व्यवसाय भी नहीं चल पा रहा था। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो तमाम यहाँ के व्यापारी हैं, पांडा समाज हैं, इसके अलावा तमाम जो लोग हैं जिनका व्यवसाय कांवड़ यात्रा चलता है उनका व्यवसाय भी आगे बढ़ेगा, तो उसको लेकर तमाम फीडबैक इस आज बैठक में रहने वाली है। और सभी अधिकारी पहुँच गए हैं, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज यहाँ आ गए हैं, इसके बाद साथ साथ ही डीजीपी अशोक कुमार आ गए हैं। चुनौती तो रहने वाली है, चारधाम यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली, तो प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती रहने वाली है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।